अतिशय सुंदर आयोजन, सर्वांग सुंदर नियोजन या स्पर्धेमध्ये 32 संघांचा सहभाग आहे आणि आज दिवसभरामध्ये 4 संघ खेळणार आहेत. रात्रीच्या सत्रामध्ये 4 संघ खेळणार आहेत आणि आपण मागच्या 2 दिवस बघितले, 2 रात्री बघितले, 16 संघांनी इथे आपला सहभाग नोंदवलेला आहे. आज पुन्हा 8 संघ मैदानामध्ये, त्यापैकी 4 संघ दाखल झालेले आहेत. संध्याकाळच्या सत्रामध्ये 4 संघ अजून दाखल होतील आणि उद्या या स्पर्धेचा बाद फेरीतला अखेरचा दिवस आणि रात्र असेल. 13 तारखेला या स्पर्धेची फायनल होणार आहे आणि अखंड महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलेली स्पर्धा आज खुल्या गटातील संघ मैदानामध्ये. तर पहा, सेकंड मॅच स्टार्ट नाव. मॅच आहे राजयोग मोहोळ विरुद्ध हमराज मृत्युंजय पुणे, सोलापूर विरुद्ध पुणे अशी लढत मैदानामध्ये होणार आहे. खुल्या गटातील हे 2 संघ एकमेकांच्या समोर उभे टाकलेले आहेत. काल आपण तालुका वाईज मॅचेस बघत होतो, आज फुल्ली ओपन खुल्या गटातील मॅचेस आज बघणार आहोत. आसिफ आणि राजू, आसिफ तांबोळी, राजू पाटे ही जोडी मैदानामध्ये. पहिला चेंडू कव्हर ड्राईव्ह, वा सुंदर फटकाय. गवतावरून चेंडू अलगद सीमारेषेकडे ट्रॅव्हल करतोय, सीमारेषेच्या बाहेर जाईल, मिळतील. म्युझिक काय मोहोळ संघ, राजयोग मोहोळ, संतोष नलावडे, 12th मॅन इथे पाठवा बरं, 12th मॅन इथे पाठवा ताबडतोब. अजून गोलंदाज कोण आहे हे इथे नोंद झालेलं नाहीये, अनामिक गोलंदाज आहे, त्याचं नाव आम्हाला समजलेलं नाही. मात्र आसिफ तांबोळीनं 2, लखन, लखन इज द मॅन, लखन गोलंदाजी मार्कवरती आपण बघू शकतो आणि धावफलकावरती आहेत 8 धावा. सुरुवात चांगली, आसिफ तांबोळी हा छोट्या चणीचा फलंदाज आहे, मात्र इतका सुंदर फलंदाजी करतो, खेळपट्टीवरती उभा राहतो, घोरपडी सारखा खेळपट्टीला चिकटतो आणि विशेष म्हणजे मोठे फटके देखील त्याच्याकडे आहे. याबरोबरच इथे पाहायचंय स्क्वेअर कटचा प्रयत्न होता, फसलेला. लागोपाठचा दुसरा चेंडू लखनचा अप्रतिम ठरतो, इथे 10 धावा मात्र मिळणार नाहीत. आठ धावा धावफलकावरती आहेत. आसिफ तांबोळी, मुळगाव शिक्रापूर तालुका शिरूर, मात्र येरवडा हे त्याची क्रिकेटसाठी कर्मभूमी ठरली आणि तिथून अनेक मोठ्या संघांमधून आसिफ तांबोळीला आम्ही पाहिलेला आहे. वाह वाह, सुंदर फटका एक्स्ट्रा कव्हरच्या डोक्यावरून, क्षेत्ररक्षक तिथे येतोय कव्हर पॉइंटला, अडवला आणि 10 धावा मिळतील. 2 आसिफ तांबोळी, 10, तर हमराज मृत्युंजय 10 2 अंकामध्ये पहिल्या षटकामध्ये. राजू पाटे या खेळाडूला मी बघतो या संघामध्ये, हमराज मृत्युंजय मध्ये आला त्यावेळेस सुरुवातीला 7व्या 8व्या क्रमांकावरती खेळायचा. ज्यावेळेस संघाचा सगळा डाव संपलेला असतो त्यावेळेस कधीतरी बॅटिंगला यायचा, कधीतरी अशा परिस्थितीमध्ये यायचा की मॅच संपलेली आहे आणि त्या कंडिशन मधून त्याने फिनिश केल्या मॅचेस. याबरोबरच हो, झेल सुटलेला मिड विकेटला, खरं तर सोपा झेल होता, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आलाही होता, मात्र शेवटच्या कि मॅच तोल संपाळता आला नाही आणि चेंडू जमिनीवरती पडलेला आहे. धावफलकावरती 12 षटक क्रमांक पहिलं मैदानामध्ये संपलेलं आहे. राजू पाटे नारायणगाव तालुका जुन्नर या ठिकाणचा खेळाडू आहे. गोलंदाजीमध्ये फलंदाजी मी बघितले का, अनेक मॅचेस राजू पाटेने संपलेल्या होत्या मॅचेस, संघामध्ये हरण्याच्या अगदीच उंबरट्यावरती उभा होता, म्हणजे हरणार होता संघ अशा परिस्थितीमध्ये त्याने मॅच जिंकून दिलेल्या आहेत. आणि त्यामुळं काय झालं की प्रत्येक मॅच नंतर असा तो प्रगती करत गेला करत गेला. आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टेडियम मध्ये पार्थ दादा पवार चषक मध्ये सलामीला हा फलंदाज येतोय, यावरून त्यानं केलेली प्रगती लक्षात येते.
सुरुवातीला खालच्या क्रमांकावरती फलंदाजी, त्यानंतर हळूहळू हळूहळू त्याने आपलं स्थान मजबूत बनवलं या संघामध्ये. आणि विशेष म्हणजे ऋषीदादा पवार यांचा अत्यंत विश्वासू खेळाडू, त्यांचा विश्वास मिळवलाय, सार्थ ठरवलाय तो राजू पाटेनं. स्ट्राईक एंड वरती राजू पाटे, गोलंदाजी मार्क वरती यावेळेस संतोष नलावडे, मोळचा हा खेळाडू संतोष नलावडे. ब्लॉक होल मध्ये पायाला चिरून जाणारा हा चेंडू टाकला होता, मात्र थोडासा पुढे आपण बघू शकतो, खरं तर फ्लिक खेळू शकत होता परंतु बॅकफुटला गेला थोडासा आणि ड्राईव्ह केला चेंडूला, कव्हरला, तिथे मिळतील एक धाव. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा आहेत 14-13 धावा, 13 धावा हमराज मृत्युंजय पुणे संघाच्या. ऋषीदादा जोर यांनी यांनी बांधणी केलेली ही टीम आहे. पुणे शहरातील तसंच ग्रामीण विभागातील देखील काही खेळाडू सातत्याने या संघामध्ये खेळतात आणि विशेष म्हणजे खुल्या गटामध्ये हा संघ मोठं आव्हान निर्माण करतो. अनेक अनेक वेळा मातब्बरांना चकित केले या संघानं. आज तुम्हाला बघायला मिळेल इथे हमराज मृत्युंजय पुणे. समोरच्या बाजूला मोठं अनुभवाचं भांडार आहे संतोष नलावडे. उजव्याच्या बाहेर ड्राईव्ह करायचा प्रयत्न होता शरीरापासून, खूप लांब खेळला, बॅकफुट वरती जाऊन खर तर लेट कट करायचा प्रयत्न होता, पण त्याने बघितलं की चेंडू फुलर लेनचा आहे, यावेळेस तो डावा पाय पुढे टाकून चेंडूवरती आला, परंतु लांब राहिला चेंडू. मात्र एक धाव इथे मिळेल आणि एका धावे बरोबरच धाव फलकावरती 14 धावा. ज्यावेळेस तुम्हाला मोठे फटके मिळत नाही त्यावेळेस सिंगल्स येणं सुद्धा अत्यंत महत्वाचं असतं. स्कोर जर थांबला तर अडचण होऊ शकते, परंतु स्कोर जर आता एक एक धाव जरी पुढे जात राहिला तरी पुढे जाऊन स्कोर चांगला बनू शकतो. डावेष्टच्या बाहेर यावेळेस वाईड संतोष नलावडे. अनेक वेळा संतोष नलावडे संघाला सुरुवातीला संतोष नलावडेला मी बघितलं होतं 2007-08 साली, ज्यावेळेस डीके पुणे संघ नुकताच फॉर्म मध्ये आला होता. खूप मोठं आव्हान या संघानं देखील प्रतीक किंवा त्यावेळेसचा दिलीप टिळेकर अकॅडमी संघासमोर उभं केलं होतं. ओहो, इथे पाहायचंय अकटम गुड लेन स्पॉट वर चेंडू, थोडासा खाली राहिला, हलका असा आत आला आणि मात्र निर्धाव ठरला. मिडविकेटच्या डोक्यावरून उचलण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज राजू पाटेचा, फसलेला आहे निर्धाव चेंडू. धावफलकावरती 15 धावा, षटक क्रमांक दुसरा. संतोष नलावडे इथे पूर्णपणे व्यसन ठोकतोय धावफलकाला. उजवायच्या बाहेर इथे रूम मिळाला आणि काय सुंदर फटका. राजू पाटेची ही खासियत आहे, चेंडूवरती झेपावला तो असा, चेंडूला सीमारेषेच्या बाहेर भिरकावून दिलं. षटकार. षटकार 6 धावा. धावफलकावरती आपण बघू शकतो 21 धावा. परत एकदा फुल टॉस, जमिनीच्या समांतर लॉंग ऑन, क्षेत्ररक्षक तिथे दुसरी धाव घ्यायची. हो, पाहायचं इथे दोघांमध्ये पूर्ण समन्वय नव्हता, दोघेही पुढे निघाले होते. धाव घ्यायची नाही घ्यायची, एक म्हणतो तर घेऊ, दुसरा म्हणतो तर नको, परत दुसरा म्हणत होता घेऊ, पहिला म्हणत होता नको, आणि असं तू तू मैमय इथे सुरू राहिलं. अखेर दोघेही आपल्या क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचले, ही निश्चित नशिबाची गोष्ट ठरली. मात्र धक्का पोहोचला नाही, धोका पोहोचला नाही, ही देखील चांगली गोष्ट ठरली. धावफलकावरती आपल्याला बघायचंय 22 धावा, षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू. संतोष नलावडे तयार. यावेळेस अखुट टप्प्याचा चेंडू पुलचा प्रयत्न होता, पुन्हा टायमिंग करता आलं नाही, खालची कड बॅटची घेतली, दुसरी धाव इथे घेण्याचा प्रयत्न आहे. यष्टी तर उध्वस्त होईल आणि पंचांचं बोट आकाशाकडे, असिप तांबोळे होईल बाद. या अगोदर फसला होता निर्णय, पुन्हा एकदा फसला आणि असिप तांबोळे ठरला शिकार. पहिला धक्का हमराज मृत्युंजय पुणे संघाला. बघा, सुरुवात संमिश्र आहे, 2 षटकामध्ये 23 धावा,
हमराज मृत्युंजय पुणे या षटकामध्ये संतोष नलावडेने खर्च केले धावा 11, पहिल्या षटकामध्ये 12, दुसऱ्या षटकामध्ये 11, एकूण 5 षटकांची मॅच आणि नवीन फलंदाज महेश पुली। अनुभव खूप आहे महेश पुलीकडे, माझ्या समोरच त्याने खरं तर पदार्पण केलेलं आहे टेनिस क्रिकेटमध्ये आणि हळू 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 या खेळाडून आपला जम बसवला टेनिस क्रिकेटमध्ये। आज हमराज मृत्युंजय पुणे सारख्या व्यावसायिक संघामध्ये तो मजबूत स्थितीमध्ये बसलेला आहे। ओहो हो, व्हॉट अ बॉल, टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स इथे मिळवला अखूट टप्प्याचा हा चेंडू। राजू पाटे खरं तर उंचापुरा फलंदाज आहे, परंतु थोडासा शरीरापासून लांब ठेवला चेंडू त्यानं आणि उडवण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूचा बाउन्सचा वापर करायचा होता त्याला, परंतु भन्नाट वेगानं चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निघून गेला, धावा मिळणार नाहीत। लखन इज द मॅन ऑन द मार्क, उजव्या यष्टीच्या बाहेर, खूप बाहेर यावेळेस टाकला वाईड चेंडू। खोरा असू शकतो, शरीरापासून लांब टाकण्याचा प्रयत्न करतायत फलंदाज इथे, गोलंदाज इथे, पाहिजे एक अतिरिक्त धाव आणि धाव फलकावरती पुढे, स्कोअर 24 धावा, 24 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट हमराज मृत्युंजय। लखन एक चांगला गोलंदाज आहे। ओहो हो, इथे परफेक्ट ब्लॉक आणि फलंदाज बाद, राजू पाटे तंबूच्या आश्रयाला, दुसरा धक्का। पाटे बाद होईल सलामीला, आज राजू पाटेला खरं तर बढती मिळाली होती, एक षटकार त्याने खेळला, 10 धावांचं योगदान आपल्या संघ, 8 धावांचं योगदान राजू पाटे दिलं आणि तो बाद होऊन परतलेला आहे। बघूया नवीन फलंदाज महेश पोलीच्या बरोबरीनं, आता नवीन फलंदाज सोन्या गायकवाड 24 धावा धाव फलकावरती आहेत। लखनच्या गोलंदाजीचा सामना करावा लागेल सोन्याला। याबरोबरच हा फटका लॉंग ऑफ तिथे तयार आहे आणि क्षेत्ररक्षकानं बचाव करण्याला प्राधान्य दिलं, झेल खर तर शक्य होता परंतु तो पुढे आला नाही, त्याने एक टप्प्यावरती चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न केला। संतोष नलावडे तिथे होता, एक संघातला मला वाटते सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक असावा संतोष नलावडे, जवळपास वयाची 40 ओलांडलेली असेल संतोषनं, परंतु फिटनेस अतिशय सुंदर आहे। क्रिकेटच्या खेळाडूंची ही खासियत आहे की जे मैदानामध्ये सातत्याने खेळतात त्यांचा फिटनेस निश्चित चांगला आहे आणि मी अलीकडे बघतो की खूप फिटनेसच्या बाबतीमध्ये आपण म्हणतो टेक्नो सॅवी किंवा फिटनेस सॅवी आहे ते खेळाडू, खूप जागरूक आहेत। अलीकडं आम्ही पाहतो की टेनिस क्रिकेटचे खेळाडू सातत्याने जिम करतात, वर्कआउट करतात, व्यायाम करतात, क्रिकेटसाठी खास करून ज्या व्यायामाची गरज आहे अशा प्रकारचा देखील व्यायाम करतात, त्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गदर्शकांची देखील मदत घेतात हे खेळाडू। ही एक चांगलं बदलतं क्रिकेट आहे आणि ही चांगली गोष्ट आहे। पूर्वी क्रिकेटर म्हटलं की आपण पाहतो की वगैरे पोट वगैरे सुटलेला वगैरे खेळाडू तुम्हाला आवर्जून बघायला मिळायचे। वाईट चेंडू आहे, इंजमाम उलकला आम्ही पाहिलं, अर्जुना रणतुंगाला आम्ही पाहिलं, असे अनेक खेळाडू होते की जे साधारणतः फिटनेसच्या बाबतीमध्ये फारसं लक्ष द्यायचे नाहीत, परंतु अलीकडं आपण पाहतो की अत्यंत जागरूक आहे खेळाडू। अगदी टेनिस क्रिकेटचे खेळाडू सुद्धा ज्यावेळेस मॅचेस नसतील त्यावेळेस सुद्धा व्यायाम करतात, त्यावेळेस सुद्धा स्वतःला फिट ठेवतात, कारण त्यांना माहिती या क्षेत्रामध्ये स्पर्धा खूप मोठी आहे आणि ही स्पर्धेत टिकायचं असेल तर सातत्याने सराव करणं गरजेचं आहे आणि तो आम्हाला दिसतो खेळाडूंमध्ये। धाव फलकाला गती मिळते, स्कोअर 31 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये, तिसरं षटक मैदानामध्ये
सुरू आहे। लखनचं षटक यावेळेस किफायतशीर आहे। या अगोदरचं षटक लखनचं आम्ही पाहिलं होतं, थोडंसं मागड होतं, परंतु या षटकामध्ये गडी देखील बाद केला आणि त्याचबरोबर हलक्या इथे झेल तर टिपलेला आहे। अजून एक फलंदाज धावत करण्याची संधी होती, ती संधी गमावली तर अधिकच्या धावा देखील आता गमाव्या लागतील। एखादी संधी गमावल्यानंतर दुसरी संधी देखील तुमच्या हातातून निष्ठून जाते। आपण म्हणतो ना, तेलही गेले तुपही गेलं आणि हाती धुपाटणं आलं, अशी परिस्थिती होऊ शकते क्रिकेटच्या मैदानामध्ये देखील। ते आम्ही इथे बघितलं आणि याबरोबरच आपण बघू शकतो तीन षटकांचा खेळ संपेल। धावफलकावरती आहे धावा 33 धावा, 33 धावा दोन गड्याच्या मोबदल्यामध्ये हमराज मृत्युंजय पुणे। शेवटची दोन षटक शिल्लक आहेत। थोडीशी शॉर्ट मीटिंग इथं आयोजित केली होती संतोष नलावडेनं आणि त्या मीटिंग मधून काय कन्क्लुजन काढलेला आहे, काय निष्कर्ष काढलेला आहे, कदाचित गोलंदाजाची निवड इथे करायची होती। निवड करणं खरं तर हा अत्यंत अवघड विषय असतो। एखादी निवडणूक असेल तर पक्षश्रेष्ठींना सुद्धा प्रश्न पडतो की कोणत्या उमेदवारांची निवड कशी करायची, बंडखोरी सुद्धा होणार नाही आणि निवड केलेला उमेदवार सुद्धा निवडून येण्यास पात्र असेल, मोठा प्रश्न असतो। संघनायकाची सुद्धा डोकेदुखी असते की तुमच्याकडे जर 13-14 प्लेयर असतील तर नक्की कोणाला बसवायचंय, हा प्रश्न देखील तयार असतो। गोलंदाजीमध्ये देखील सातत्यानं जे अंतिम 11 खेळाडू आहे त्याच्यामध्ये गोलंदाज किती गोलंदाजांना संधी द्यायची, कशी द्यायची, केव्हा कोणाला द्यायची, हा सुद्धा मोठा अवघड प्रश्न असतो। त्यासाठी नेतृत्व 11 खेळाडू चांगली असणं महत्वाचं आहे आणि संतोष नलावडेनं इथे विश्वास ठेवला। फैजलवर पहिला चेंडू वाईड आहे। धावफलकावरती आहे धावा 34 षटक क्रमांक 4 सुरू आहे। अलॉंग दी कार्पेट चेंडू अगदी मुलायम फटका होता, गवताला स्पर्श करून जात असताना डीप स्क्वेअर लेगला तिथे क्षेत्ररक्षक आहे। एक धाव धावफलकावरती पुढे हळूवारपणे स्कोअर पोहोचेल तो 35 धावा 35 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स, दोन गडी केवळ बाद आहेत। सोन्या गायकवाड आणि महेश पुल हे दोन फलंदाज मैदानामध्ये, अजूनपर्यंत फारसे मोठे फटके या दोघांकडून नाही। तर फैजलचा हा चेंडू, व्हॉट अ बॉल, परफेक्ट यॉर्कर होता, वाईड यॉर्कर आम्ही म्हणू शकतो। यष्टी उजवाईष्ट थोडासा बाहेर टाकला चेंडूला, फलंदाजाला थोडं पुढे खेचून आणलं, परंतु तुम्ही बघताय की या चेंडूवरती इम्प्रोवाइज करणं फटका आणि परत टायमिंग करणं हे निश्चित अवघड आहे, फलंदाजाला देखील ते जमलेलं नाहीये। धावफलकावरती आपण पाहतोय 35 धावा षटक क्रमांक 4 मैदानामध्ये फैजल तयार असेल तर समोर सोन्या गायकवाड। यावेळेस सोन्याचा फटका, सोनेरी धावा, थँक्यू पार्थ दादा पवार, पॉवरफुल पॉवरफुल स्ट्रोक षटकार। या 6 धावांबरोबरच धावफलकावरती पुन्हा एकदा गती मिळते, 41 धावा। सोन्याला ज्या गोष्टीसाठी पुढे पाठवलेला आहे चौथ्या क्रमांकावरती तो फलंदाजीला आलेला आहे आणि खूप चांगले एक चौकार आणि त्यानंतर एक षटकार देखील त्याच्या बॅटमधून बाहेर पडतो। पुन्हा एकदा हा फ्लिकचा शॉट होता, फ्लिक ग्लान्स, खरं तर हे अत्यंत कलात्मक फटके आहेत। मनगट त्यासाठी तुमचं चांगलं असणं गरजेचं आहे, मनगटामध्ये बॉल बेअरिंग असणं महत्वाचं आहे। मनगट जर वळलं 180 कोणामध्ये तर मात्र हे फटके अत्यंत पाहायला मजा येते। यावेळेस महेश पुलीचा पॉवरफुल, यास चेंडू पुल करतोय महेश पुली, षटकार। थँक्यू थँक्यू डीजे, या षटकाराबरोबर 48 धावा, पार्थ दादा पवार पॉवरफुल षटकार। परत एकदा महेशनं उंच चेंडूला खेळलेला आहे, स्क्वेअर लेग चेंडू खाली पोहोचतोय, झेल टिपला जाईल, महेश फुली होईल बाद, धक्का क्रमांक 3। जय कापसे तगडा ताकदवान खेळाडू आहे, उंचा पुरा आणि फटकेबाजी देखील तशीच करतो, एक हार्ड हिटर म्हणून त्याची ओळख आहे। फक्त
तर तोडफोड या खेळाडूला माहिती आहे. विजय कापसे मैदानामध्ये येईल आणि पाहूया हमराज मृत्युंजयसाठी तो किती योगदान देईल. या अगोदर फैजलनं या षटकामध्ये तब्बल 14 धावा खर्च केल्या, 15 धावा खर्च केल्या, मात्र एक गडी देखील जाता जाता टिपला महेश पोली. आणि धावफलकावरती आपण पाहतो 48 धावा 3 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये हमराज मृत्युंजय संघ. शेवटचं षटक, 5वं षटक मैदानामध्ये सुरू राहील आणि दूरच्या बाजून अर्थात नगरपालिका एंड कडून आम्ही बघणार आहात संतोष नलावडेला. नाही संतोष नाहीये, संतोष नाही, दुसरा बॉलर आहे. बॉलरचं नाव सांगा. आकाश, आकाश लांडलंय गोलंदाजी मार्कवरती. चांगला टप्पा इथे टाकला, त्याने बघितलं की फारशी मुवमेंट पायामध्ये दिसत नाही विजय कापसाच्या, त्यावेळेस चेंडू त्याने लांब ठेवला, लेंथ चांगली ठेवली आणि निर्धाव चेंडू मिळाला. धावफलकावरती आहे 10:48. यावेळेस हो थोडासा आतमध्ये चेंडू टाकला होता, स्क्वेअर लेगला खेळायचा प्रयत्न होता विजय कापसाचा, परंतु टायमिंग पकडता आलं नाही. इथे 1 धाव मिळेल आणि धावफलकावरती पुढे 49 धावा. मोठं टार्गेट असणं गरजेचं आहे या मैदानामध्ये. आम्ही 3 दिवसांमध्ये खूपच चांगली फलंदाजी बघायला मिळाली. 87-88 धावा देखील चेस होत आहेत या मैदानामध्ये 6 षटकामध्ये. ओहो हो, वॉट अ वॉट अ स्टॉप, वॉट अ स्टॉप. सुंदर सुंदर डाई तिथं सूर मारला गोलंदाज आकाशनं आणि चेंडू अडवलेला आहे. त्याच्या हातातून पहिल्या प्रयत्नात निसटला चेंडू, अन्यथा ती सोन्या गायकवाडसाठी परिस्थिती अवघड झाली असती. 1 धावेबरोबरच धावफलकावरती पुढे 50 धावा. अर्धशतक हमराज मृत्युंजय पुणे संघाचं, 50 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज आकाश तयार असेल तर समोर विजय कापसे. याबरोबर इथे धावबाजची संधी यष्टीरक्षकाकडून, चूक, 1 धाव मिळते. 22च्या रूपाने ही धाव आहे आणि 1 धावेबरोबरच धावफलक पुढे 51 धावा. 51 loss of 3 हमराज मृत्युंजय पुणे. सोन्या गायकवाड 1 चौकार 1 षटकार सोन्याकडून आता इथे खेळलेला आहे. पुढे या षटकातील 3 चेंडू अजून खेळू शकतो सोन्या, 2 चेंडू खेळू शकतो. मात्र पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजी. मला गोलंदाजाचं कौतुक करायचंय की या डेथ ओव्हर मध्ये त्यानं खोलवर टप्प्याचे चेंडू टाकले 3 आणि 3ही चेंडूंमध्ये फारशा धावा आलेल्या नाहीयेत. पहिला चेंडू निर्धाव होता, हा चेंडू देखील 1 धाव अर्थात मिळाली धावफलकावरती. 52 धावा आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू आता आपण बघणार आहोत. डेथ ओव्हर मध्ये मात्र 4 धावा आणि ही केवळ 5वी धाव. सुंदर गोलंदाजी आकाशकडून डेथ ओव्हर मध्ये, स्लॉग ओव्हर्स मध्ये त्यानं केवळ 5 सिंगल दिलेल्या, त्यामध्ये 2 लेगबाईज आहेत. यावरून त्याची गोलंदाजीची कल्पकता, त्याचं कौशल्य आपल्या लक्षात आलं असेल. शेवटच्या षटकामध्ये 10 धावा रोखल्यात या मैदानामध्ये त्या गोलंदाज आकाशनं आणि हमराज मृत्युंजय संघाला 53 धावांपर्यंत सीमित ठेवलेला आहे. पहिल्या 4 षटकामध्ये 48 धावा, जवळपास 12 धावांची सरासरी होती, परंतु 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावकावरती 53 धावा तिथे सरासरी आलेली आहे 10.60.
53 रन बनाए हैं इस पहली पारी में। और स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज तैयार, विकी गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। पारदर्शक 2022 का आज का 32वां दिन है। दूसरा मुकाबला अंदर चल रहा है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं विट्ठल। जयदेव और विट्ठल ये जोड़ी मैदान के अंदर। विकी की पहली गेंद, स्टोका चाय बल्ले के बीच बैठ गया से बैग, और एक बार फिर देखे कमर पर खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कमर पर खिलाड़ी, बीट का फासला चीरती भी गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी, क्या करक शॉट खेला गया। हेलो, क्लासिकल कवर ड्राइव फ्रॉम जयदेव, ब्यूटीफुल टाइमिंग कमिंग ऑन टू द फ्रंट फुट एंड प्लेइंग टू द डीप स्ट्राइक कवर रीजन। ये अच्छी गेंद टिप्पणी पकाने के बाद अंदर की तरफ आती गेंद, पहली गेंद में एक बार भी देखिए खराब नहीं थी, लेकिन जिस तरह से फ्रंट फुट पर आए बल्लेबाज बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए स्ट्राइक कवर, और एक बार फिर कवर का जो खिलाड़ी है उसके बीच में से गेंद को खेलते हुए टाइमिंग, और क्या क्लासिकल कवर ड्राइव था जयदेव का। अब जाकर पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर बिंदी है, और विकी के पास भी काबिलियत है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार जयदेव। विट्ठल चमान इस वक्त मैदान के अंदर 9 स्ट्राइक रेन पर, जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है, और नगर पालिका एंड से गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज विकी। और टिप्पा करने के बाद एक बार फिर गेंद, टिप्पा करने के बाद थोड़ी सी गेंद नीचे रही है और व्हाइट बॉल का इशारा। तो शाम के सत्र में टेनिस विश्व के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी सुपरस्टार कृष्णा सातपुते भी पहुंचने वाले हैं अपना जलवा दिखाने के लिए इस मंच पर। कृष्णा सातपुते के जरूर देखेंगे विकी की अगली गेंद। टिप पकाने के बाद गेंद दिख रही है, इस वक्त एक रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज, बहुत कुछ हो रहा है मैदान के अंदर। पहली गेंद पर क्लासिकल कवर ड्राइव, उसके बाद में विकी की गाड़ी जो है ना वो पटरी पर आ रही है। अच्छी गेंदबाज, पहली गेंद थोड़ा ऑफ टेप के बाहर थी, जगह मिली बल्लेबाज के लिए, फ्रंट फुट पर एक उम्दा शॉट खेला था, उसके बाद में गेंद को अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट मैदान के अंदर दोनों तरफ से होते हुए, रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। फिलहाल इस ओवर की बात करें तो अभी तक गेंदों की बात करेंगे, तीन गेंदों का खेल, रन संख्या 6 रन। शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं इस टूर्नामेंट की दास्तान अपने कलम से लिखते हुए शुभम, और मंथन विशाल हमारे डिजिटल स्कोरर हैं, तो मैं ज्यादा नहीं जाना चाहिए। स्टोका चाहे, क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच बड़क के सर के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती भी 4 रनों के लिए, ये लगा पारदर्शक पवार चषक दमदार चौका। पूरा चेहरा दिखाया था और शरीर का संतुलन भी बहुत ही बेहतरीन था। चक्कर संख्या कुल मिलाकर 10 रन। ओहो, लेके कोशिश कर रहे थे, हेलो हेलो चेक, थोड़ा सा हटकर खेलने की कोशिश कर रहे थे बल्लेबाज। ये गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद उछाल लेते, थोड़ी शरारत करते हुए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है,
सभी क्रिकेट की तरफ एक बार फिर जाएंगे। 25 गेंदों का खेल शेष है और 44 रनों की जरूरत है। बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद शरारत करती हुई विकेट कीपर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। इस ओवर की बात करें तो इवेंटफुल ओवर है। क्या ओवर रहा है, पहली गेंद पर क्लासिकल कवर ड्राइव, कमाल का स्ट्रोक था, और उसके बाद में अगर देखे तो एक अच्छा स्ट्रोक विठल चौहान का, और अब जाकर ये शरारत करती हुई गेंद हरकत जरूर कर रहे थे। विकेट चौहान विकी पुजारी का ओवर बिल्कुल समाप्त हो तमाम। रन संख्या 10 रन और शाम के समय में दूध या रोशनी में एक बार फिर क्रिकेट का खेल होगा, तब जाकर इस मंच पर अपना जलवा दिखाने के लिए टेनिस विश्व के एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कृष्णा सातपुते बिल्कुल आने वाले हैं। मजा आएगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। आफ्टर वन ओवर नाउ स्कोर 10-9। जयदेव के पास काबिल है, एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इन्होंने खेला था, इसके बाद में अच्छी कमबैक गेंदबाज की तरफ से हुई थी विठल चौहान की, अच्छा स्ट्रोक। और जब आप कॉपी बुक स्टाइल में खेल रहे हैं तब जाकर रन जरूर बनते हुए। रन संख्या 10 रन, ओवर की बात करें तो ये दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, और अब जाकर इस मुकाबले में अगर ये मैच जीतना है हमराज मृत्युंजय को तो विकेट भी लेना बहुत जरूरी, तब जाकर ये मैच आप बना सकते हैं। पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बनाने की कोशिश तो होगी बल्लेबाजों की तरफ से। फ्लाइंग स्लिप एक गली है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, डीप एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर 5 लेकर खिलाड़ी दायरे के अंदर हैं, और पावर प्ले का यह दूसरा ओवर मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। ऑन साइड पर पुल किया बहुत सुंदर तरीके से, मिड विकेट क्षेत्र की तरफ बहुत तेजी के साथ गेंद जाते हुए खिलाड़ी है, शानदार फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, मैदान के अंदर 2 रन लेने का मौका मिलेगा बल्लेबाज को। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 54 रनों का पीछा करते हुए 12 रन। इस मैच की बात करें तो राजयोग मोहल बनाम अमराज मृत्युंजय के मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, और काफी सारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम पर। रन संख्या 12 रन, दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। फील्डिंग में तब्दीली होती हुई, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर, मिड विकेट का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ है, ऑन साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है। इस वक्त अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, फुटवर्क अच्छा नहीं था, शरीर का बैलेंस देके गेंद की तरफ एक बार फिर इनका बल्ला जरूर चला गया, लेकिन बॉडी का बैलेंस जो था ना वो गेंद की तरफ नहीं था, इसलिए टाइमिंग नहीं कर पाए हैं। प्रदीप की अगली गेंद, ओ टिप्पा काने के बाद गेंद नीचे रही है, वाह बहुत अच्छी गेंदबाजी। पारदादा पवार फाउंडेशन प्रेसिडेंट पारदादा पवार शशक 2022 का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं, और प्रदीप नैनी गेंदबाजी कर रहे नगर पालिका एंड से। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं, स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज जयदेव, स्वीप किया बढ़िया तरीके से, ऑन साइड के पर बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेलते हुए कड़क शॉट, गेंद बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जाते हुए ये लगा पारदादा पवार शशक। सिंगल के साथ स्कोर बिल्कुल एक बार फिर बढ़ता हुआ, रन लेना चाहते थे लेकिन विठल चौहान ने मना किया है, तो इसके साथ अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर
शतरंज जीतने की अगर कोशिश आप कर रहे हैं तो साझेदारी बनाने की जरूरत हो तो साझेदारी मैदान के अंदर पनप रही है पहले विकेट के लिए। विट्ठल चौहान और एक तरफ जयदेव दोनों के पास काबिलियत है। और अब जाकर प्रदीप नैनित का ये जो ओवर है जिसमें अभी तक देखे डबल आया है, दो बिंदी गेंदे आई है, चौका और उसके बाद में सिंगल, 7 रन आए हैं। शुक्रिया शुभम बहुत ही अच्छी जानकारी देते हुए इस वक्त, और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जब स्कोरर इस तरह का होता है तो कॉमेंट्री करने के लिए भी मजा आता है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। प्रदीप नैनित और सामना करेंगे विट्ठल चौहान। ओहो क्या बात है, मिला मौका और जड़ दिया, शानदार दमदार पार दादा पवार चषक छक्का। जुड़े हुए हैं टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से। फिलहाल आपके पास गेंदों की बात करें तो गेंदे 18 से 31 की जरूरत है। मैदान के अंदर चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सारे खिलाड़ी अपने जगह पर जाएंगे, वक्त बचाने की जरूरत है। समय समय सबसे बड़ी बात है, जेवड़ा वेळ वाचवाल ना तेवढी षटक वाढतील, जेवड़ा वेळ जास्त घेणार आपोआप षटक कमी होणार। पारदादा पवार फाउंडेशन प्रेझेंट पारदादा पवार चषक 2022 तिसरा दिवस आपण मैदानामध्ये पाहतो। अतिशय दिमागदार असं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं, प्रकाश होतो ती स्पर्धा फार मोठी आव्हानं प्रत्येकासाठी असतात, अर्थात आयोजन करणं तितकंच सोपं नाही आहे। 18-31 असं समीकरण आहे। इस वक्त स्ट्रायकर पर बल्लेबाज तयार, बल्लेबाजी करने के लिए जयदेव। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में विकी जिनके पास काबिलियत है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। और फील्डिंग देखे, फ्लाइंग स्लिप गली एक पॉइंट पर खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर फाइन लेग है, डिप स्क्वायर लेग है, मिड विकेट पर खिलाड़ी और एक लॉन्ग ऑन। नगर पालिका एंड से विकेट तैयार है। नाउ रिमेनिंग 18 डिलीवर्स एंड नीड 31 रन टू विन दिस मैच। पहले मैच में अमोल ने दुबादर पारी खेलते हुए 6 छक्के जड़े थे, 39 रन बनाए थे। बैकफुट पर ऑन साइड पर पुल जरूर किया गया लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, लॉन्ग ऑन पर कैच छोड़ता हुआ पकड़ो कैच जीते मैच। एक बार फिर ये मंत्र आपको नहीं भूलना है, और ये आसान कैच था, लड्डू था, शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। ये मैच अगर आपको पकड़ के रखना है विकेट लेना बहुत जरूरी है, विकेट ही आपको बचा सकते हैं। 17 गेंदों का खेल से 17 गेंदों में जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज तैयार, जयदेव ऑन स्ट्राइक, एक अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए और भाग्य का साथ भी मिला है। इस पर कबा में गेंद है लेकिन मिड ऑफ का खिलाड़ी बहुत दूर बाउंड्री लाइन की तरफ रखा, दूसरे के लिए वापस आ रहे लेकिन यहां भी खतरा है, थ्रो अच्छा नहीं है। वन शॉट का इशारा मैदान के अंदर अंपायर कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें सबको देखनी पड़ती है मैदान के अंदर। दोनों बल्लेबाज भाग रहे हैं, गेंद मिड ऑफ की तरफ खिलाड़ी था, एक बार फिर मिड ऑफ का जो खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ वहां चली गई, अंपायर ने इशारा किया शॉट का, तो बहुत सारी चीजें एक बार फिर देखनी पड़ती है मैदान के अंदर। रन संख्या फिलहाल 27 आपके पास गेंदों के, रन संख्या कुल मिलाकर 26 ऑन द बोर्ड। 54 रनों की जरूरत है राजयोग माहौल को यह मुकाबला जीतने के लिए। माहौल बन गया, एक अच्छे मैच का माहौल मैदान के अंदर बनता हुआ, क्या एक मुकाबला रोचक हो जाएगा। गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई, अच्छी तरह से नहीं खेल पाए और क्या परेशानी हुई, बिल्कुल इस वक्त स्टंप को पैर लगाए, बिल्कुल इस वक्त स्टंप को पैर लगा है। और बल्लेबाज मैदान के अंदर जयदेव जो है ना वो बैक टू द पेपर बन जाएंगे। कर रहा है इस वक्त मैदान के अंदर अगर देखें तो नए बल्लेबाज आएंगे और 15 गेंदों का खेल से 28 रनों की जरूरत है। लखन गावड़े को एक बार फिर मैदान के अंदर बुलाया गया है। बबलू शिंदे, टिपू भोसले, मयूर शेट्टी, शाहरुख मुलानी, शंभू बोरे, अजय चौहान, गणेश भोसले, हर्षवर्धन शेलार, सनी कशित, अजय सोनवणे, रोहन खाड़े, सुरेश थोरात, इनकी तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट
डे नाइट का पहला टूर्नामेंट डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्टेडियम पर। दोपहर का सत्र चल रहा है मैदान के अंदर, अगर देखे तो एक विकेट की सख्त जरूरत थी, वो विकेट जरूर मिलता हुआ हम राज मृत्युंजय को। महालक्ष्मी स्टोन क्रशर टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज अगले मैच के टॉस के लिए रेडी रहे। 15 गेंदों में 28 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए राजयोग माहौल को। अब जाकर बल्लेबाज जयदेव बैक टू द पवन चले गए हैं और लखन मैदान के अंदर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। इस ओवर की अगली गेंद विकी बाहरी किनारा फ्लाई स्लीपर खिलाड़ी है, ले लिया कैच, विकेट के उच्च में आते हुए शानदार गेंदबाजी विकी द्वारा इस बैट में पलटवार। करता या मैच मध्ये पुन्हा एकदा ट्विस्ट आपल्याला पाहायला मिळते, रोमर्स एक सामनाने चितारतात यात काही शंका नाहीये। माननीय श्री जयदा दादा पवार यांच्या अभिचिंतन सोहळ्याच्या निमित्ताने AKY चषक आपण पाहणार आहोत। तालुका वाईज एक भव्य टेनिस बॉलची स्पर्धा लवकरच येत आहे। 1,00,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे, 51,000 रुपयाचं उपविजेतेला पारितोषिक असेल, 31,000 रुपये तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक आणि चौथ्या क्रमांकाकरता 21,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। या स्पर्धेचा कालावधी आहे 16 मार्च 2022 ते 20 मार्च 2022। AKY चषक 2022 क्रिकेटचा महासंग्राम। या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण निश्चितच संपर्क साधू शकता, त्यासाठी विकास सोनवणे आणि भरत खरात आपल्या प्रतीक्षेत आहेत। विकेट तयार आहे, इस ओव्हर की अगली गेंद। ओहो स्विंग एंड मिस, ब्यूटीफुल बॉलिंग, जस्ट पिचिंग आउट ऑफ द स्टंप but for looking for the big shot on to the onside toward the mid wicket is in the, there is no contact between bat and ball, ball going beyond the wicket and there can be no run. Bahut hi behtareen gendbazi, shandar gendbazi ka pradarshan maidan ke andar gendbaz dwara. Wicket taiyar hai striker end par Santosh Nalavadi aur ek achhi gend। विकी पुजारी ने इस मैच में जान डाली है, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने किया है। आपके पास गेंदों की बात करें तो फिलहाल 12 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लक्ष्य अगर देखें तो 54 का है। स्कोरबोर्ड की अगर बात है 26 है, 28 रनों की जरूरत, 12 गेंदों में 28 चाहिए। कई मैच जाएगा, हमारे साथ जुड़ रहे गाने के साथ वापस आएंगे। मैच रोचक है, दिलचस्प मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। पाइए 12 गेंदे 28 चाहिए। फील्डिंग फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद, एक डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है और अब जाकर ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप गली पॉइंट कवर पॉइंट और उसके साथ एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंदबाजी में मयूर लोखंडे। अब अब गेंद है, एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते हैं, मिड विकेट पर खिलाड़ी, क्या शानदार कैच है, इमरान पठान ने लिया कैच, मयूर लोखंडे को मिला विकेट। एक यंग खिलाड़ी मैदान के अंदर अपना जलवा दिखाते हुए, शानदार कैच, अच्छी गेंदबाजी।
बाजू को, और मयूर लोखंडे भोर से बिलोंग करते खिलाड़ी। दूसरी बात, आमदार चषक में 4 विकेट लिए थे अजय दत्ता दुधभाते, इनका यह टूर्नामेंट था, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया था। और वही खिलाड़ी मैदान के अंदर, रोहन खरात की चर्चा चल रही है, मयूर लोखंडे भी कुछ कम नहीं है, आने वाले दिनों में इनकी भी चर्चा होने वाली है। दबाव राजयोग माहौल के ऊपर बरोबर, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑनच्या दिशेनं लहान मुलं खेळतात, प्लीज तिथून तो खेळ बंद करायचा आहे, लहान मुलांनी सर्वांनी स्टेडियम मध्ये जायचंय। संयोजन समितीमधील काही पदाधिकारी तिथपर्यंत पोहोचणार आहेत, सर्व लहान मुलं मैदानाच्या बाहेर प्लीज। बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है संतोष नलावडे, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। इस वक्त पहली गेंद पर सफलता मिली है, शानदार कैच बाउंड्री पर लिया गया, 11 गेंदों का खेल से और 28 रनों की जरूरत। अब गेंद है लॉन्ग ऑन की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है, शानदार गेंदबाजी, मयूर लोखंडे ने दूसरा शिकार किया है, छोटे कद के है लेकिन कद से क्या फर्क पड़ता है, कहानी बड़ी है, शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर। प्लीज आमचे पदाधिकारी तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहेत, सर्व लहान मुलं मैदानाच्या बाहेर, मैदानाच्या बाहेर बसा प्लीज, म्हणजे स्टेडियम मध्ये जाऊन बसायचंय, कारण इथे आपण बघितलं तर प्रकाश होता, ते स्पर्धा असल्यामुळे इलेक्ट्रिक वायर गेलेले आहेत आणि तुम्हाला कुठल्या प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून ही अनाउन्समेंट केली जाते। 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, जिंकण्यासाठी 28 धावांची आवश्यकता। राजयोग मोहोळचा संघ अडचणीत आलाय, सामना रंगतदार होणार आहे, यात काय शंका नाही, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय, मनोज आकाश को साथ देने के लिए आए हैं, क्या तीसरा विकेट भी आएगा, हैट्रिक ऑन, अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, रक्षात्मक ढंग से खेलते हुए और रन लेना चाहते हैं, रुकिए भाई, नौ स्ट्राइकर एंड पर भाई, आपको जल्दी क्या है, डगआउट में जाने की जल्दी है, इस ओवर में 2 लगातार विकेट मयूर के नाम पे रहेंगे, रनआउट के तौर पर एक बार फील्डिंग करने वाले टीम के मौका मिलेगा रनआउट करने का, तो तीसरा विकेट गिरा है, बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। खिलाड़ी बहुत एक बार पे टैलेंट के खिलाड़ी मैदान के अंदर है, दबाव बल्लेबाज के ऊपर है लेकिन आकाश के पास भी टैलेंट है। ओहो, नो बॉल नो बॉल, तो मौका बिल्कुल बल्लेबाजों को भी मिलेगा, भगवान एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खोलता है। अब जाकर देखे पहले 2-3 गेंदों में मयूर का जलवा आपने देखा, मयूर भी गलती कर सकते, वो इंसान है और मनुष्य भावनाओं का पुतला है, हो सकता है सारी चीजें, लेकिन संयम, खास करके बल्लेबाजों के अंदर कितना संयम है वो देखा जाएगा। ब्रीड का इशारा, देह घुमा के एक बड़ा शॉट खेलने का मौका बल्लेबाज को मिलेगा। आकाश तैयार स्ट्राइकर इन पर, अब अबे गेंद टपकाने के बाद उछालते भी ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, भगवान एक दरवाजा बंद करते तो दूसरा जरूर खोलता है, मौका था, मिला मौका और जड़ दिया शानदार छक्का। आठ गेंदे 21 रनों की जरूरत है, बैक पर चले गए थे, शॉट तो इतना अच्छा नहीं है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, भाग भीर का भाग, मैदान के अंदर आकाश बाल बाल बचे हैं, अगर इस गेंद को विकेट कीपर गैदर करते तो बिल्कुल काम तमाम हो जाता, लेकिन दोस्तों अगर मगर से क्रिकेट नहीं होती, 7 गेंदों का खेल से 19 रनों की जरूरत है। वक्त का मोहरा, शतरंज के साल,
हारा तो जिंदगी, जीता तो कमाल। इस टूर्नामेंट का पहला साल बेमिसाल, कमाल, धमाल, बहुत सारी चीजें मैदान के अंदर। आपके पास अभी अगर देखें तो 7 गेंदे हैं, 19 रनों की जरूरत। ऑनसाइड पर अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी है मयूर लोखंडे का तीसरा शिकार। मयूर लोखंडे ने कहा रंग भरने के लिए हम ही तैयार। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, शानदार गेंदबाजी मैदान के अंदर। और मयूर के बीच था, बीच मैदान पर दूध का दूध, पानी का पानी, खत्म होगी आकाश की कहानी। 6 गेंदों का खेल शेष है, 19 रनों की जरूरत। अब चक्कर एक्सपीरियंस खिलाड़ी मैदान के अंदर, गोपाल मालक एसके मैदान के अंदर डटे हुए। समस्या क्या है? विकेट शेल फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर बैटिंग साइड। नाउ नीड द पार्टनरशिप, फैंटास्टिक बॉलिंग बाय मयूर लोखंडे। इनका बॉलिंग एनालिसिस देखना बहुत जरूरी। चाहिए तो भी 19 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, तो ये मैच अभी भी बना हुआ है। क्या इस टीम में, मोहल की टीम में कोई हार्दिक पांड्या है जो एक बार फिर मैच को लेके जाएगा, फिनिश करेगा? क्या इनके पास कोई माइकल बेबन है? क्या इनके पास कोई धोनी है जो इस वक्त इस अनहोनी को होनी करे? हो सकता है, क्रिकेट में सब कुछ हो सकता है। अब जाकर आपके पास गेंदों की बात करें तो 6 गेंदे हैं, अब दबाव है। जो भारतीय टीम के लिए शार्दुल ठाकुर काम करते वही काम आपको करना है। और निर्णायक ओवर का खेल मैदान के अंदर, दीपू को मौका मिला है। इस ओवर में बैंक बैलेंस है इनके पास। ओह अच्छी गेंद, दीपू की पहली गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेते भी थोड़ी शरारत करते हुए विकेट कीपर की तरफ जा रही है। पहली गेंद गेंदबाज की है। 5 गेंदों का खेल से 19 रनों की जरूरत है। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए गोपाल मंथन हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज ए स्कोरर। महालक्ष्मी स्टोन क्रशर के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज टॉस के लिए रेडी रहे। स्ट्रोक अच्छा है, इस पर हवा में गेंद, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है। मिड विकेट पर लिया कैच, बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन जाते हुए। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है और गेंद जो है ना बल्ले के ऊपर भारी है। इस वक्त अपना खाता नहीं खोल पाए हैं तो इसके बारे में मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। लेकिन अब जाकर रहे बल्लेबाज मैदान के अंदर आए फैसल, फैसले की घड़ी है। एसके ऑन स्ट्राइक, शुक्रिया विशाल। मैदान के अंदर 4 गेंदों का खेल से 19 रनों की जरूरत। स्विंग एंड मिस, 3 गेंदे 19, मतलब 3 गेंदों पर आपको 3 छक्के जड़ने का मौका मिलेगा। देखिए एक बार फिर मौका अभी भी है। यह मैच 3 चीजें हो सकती है, मृत्युंजय जी सकता है, मैच टाई हो सकता है, और एक बात फिर इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त मौका बल्लेबाजों के पास अभी भी है यह मैच बनाने का। स्ट्रोक अच्छा है, टाइमिंग बढ़िया। ना सूरत देखते हैं, ना मूरत देखते हैं, ये तो अपने टीम की जरूरत देखते हैं। गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन। आखिरी 2 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज की तरफ से। ओ हरकत करती भी गेंद, हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। हमराज मृत्युंजय जीत की दहलीज पर, और सहयोग माहौल की बात करें तो हार के कगार पर है। अच्छी गेंदबाजी दीपू द्वारा, पहली गेंद ज्यादा आगे डाले थे इसीलिए एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक खेला था। उसके बाद में लेंथ गेंदबाजी, और लेन के साथ दिशा बहुत अच्छी थी। इस बार भी तारा मंडल में उड़ाया भाई, 1 और 2 से बात नहीं बनेगी। स्ट्रोक अच्छा था,
लेकिन करे तो क्या करे, ये छक्का तो आया लेकिन आते आते मोहतरमा बहुत देर कर दी है। यह मुकाबला बिल्कुल हमराजपुर ने जो जीत लिया है, सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। ये गाना गा रहे ले जाएंगे बात दफ्तर 2022 की गुप्त ट्रॉफी लेके जाए। त्याचबरोबर